हाय मेरे जेगेडियन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो आज का हमारा जो इकोनॉमिक्स का एकेडमिक टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट। इट इज मात्र 6 मार्क्स चैप्टर और बहुत ही ईजी है। डेफिनेट क्वेश्चंस है कि इन्हीं में से आते हैं, गिनती के 3-4 ही टॉपिक है भैया। तो ये आज आपके पास मौका है, ये 6 नंबर अगले 10 से 15 मिनट में आप अपनी जेब में कर सकते हैं। बट मेक श्योर इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है भैया, आप खुद देख लेना, रिपीटेड होते हैं, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो जल्दी से चलते हैं हमारे टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं भैया, इकोनॉमिक्स का शेड्यूल जो है वो पूरा सेट चल रहा है मामला। कई बच्चों का जो है वो मैसेज आ रहा है कि सर इंडियन इको भी करवा दो। मेरी जान, मैंने पहले बोला था इंडियन इको बाद में रखूंगा। भैया थ्योरी है तो जितना बाद में करेंगे, मतलब ये नहीं कि पेपर से 1-2 दिन पहले कर रहे हैं, शेड्यूल आपके सामने है, लेकिन जितना बाद में करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि एक तो पहली बात थ्योरी है, स्कोरिंग होता है, लेकिन इसका कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। दूसरा, जितना बाद में पढ़ेंगे उतना जल्दी, मतलब उतना ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहेगा, पेपर तक चांसेस है कि हमारे दिमाग में रहे। क्योंकि ये बच्चों को, मेरे को पता है, मेरे को भी यही प्रॉब्लम फेस होती थी यार अपने टाइम पे। थ्योरी से तो यार हमें मौत पड़ती थी बहुत करने में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों को। मतलब 10th के SST के आंसर, अगर मैंने तो अपने दोस्त को ये बोला था, भाई अगर मैं खुद अपना पेपर चेक करूं ना तो भैया मैं अपने आप को मार्क्स ना दूं। तो हमारा शेड्यूल सेट है, आप टेंशन मत लो, मैंने बोला ना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अकाउंट नीको की महफिल है, जिस बच्चे ने ज्वाइन, वीडियो देख के चले जाते हैं, ज्वाइन करते नहीं हो भाई, ये यही तो गोल्ड है, इसी को मिस कर रहे हो, सिल्वर लेके चले जाते हो भाई। आ जाओ, ज्वाइन कर लो, सारी डिस्कशन यहीं पर होने वाली है, सारे क्वेश्चन आंसर्स के जो भी आपकी प्रॉब्लम फेस हो रही है सब और सब यहीं होने वाले, सारे अपडेट यहीं मिलने वाले हैं। तो कृपया करके आइए, ज्वाइन कीजिए और गुफ्तगू कीजिए। चलो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अभी देखो, रिसेंट अभी 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट आया, ठीक है जी। और ये जो है पूरा बजट नहीं बनाया इस बार क्योंकि इलेक्शन ईयर है, बट गवर्नमेंट बजट होता क्या, देखो गवर्नमेंट बजट क्या होता है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेड इनकम है और उसके जो एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेक्टेड खर्चे वो कितना कहां कहां करेगी, जो कि गवर्नमेंट की इंटेंशन बताती है कि इस साल जो है गवर्नमेंट का फोकस कौन से सेक्टर पे है। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, क्या वो एजुकेशन पे है, क्या वो हेल्थ पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोरोना के बाद का जो आपका वो था ना बजट, उसमें देखना हेल्थ पे ज्यादा था, ठीक है जी। तो और जो ये बजट है ना, ये हर लेवल पे निकलते हैं, ये आपके यूनियन लेवल पे निकलते हैं, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट और उनके डिपार्टमेंट्स MCT ईच एंड एवरीथिंग निकलते हैं। लेकिन हमारा ये जो चैप्टर है ये टोटली और टोटली यूनियन बजट तक रिस्ट्रिक्टेड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए निकालती है। और ये कब निकल के आता है, ये निकल के आता है 1 फरवरी, कब आता है 1 फरवरी, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस बजट निकाल दिया तो खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं अकाउंटिंग पीरियड में आने वाले, ठीक है। पहले पार्लियामेंट में जाके पास होता है ये प्रॉपर, और जो जो अप्रूवल मिलता है तभी जाकर उसी पे खर्चा हो सकता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बजट का, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, मतलब 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। और वो 3 का हो इस टॉपिक में से, वो 6 का हो इस टॉपिक में से, या फिर वो 1 ही मार्क्स का हो MCQ हो, लेकिन जो डेफिनेट है वो डेफिनेट है, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट जो है बहुत इजी है, ध्यान से समझना सारी गेम। देखो बजट में क्या है, टैक्स और गवर्नमेंट का खर्चा, जिसमें सब्सिडी भी आ जाती है, तो सारी गेम उसी से रिलेटेड है यहां पर। जैसे सबसे पहला हो गया आपका रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट चाहे तो एक इंडस्ट्री से उठाकर रिसोर्सेज दूसरी इंडस्ट्री में डाल सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब यहां से खींच के यहां डाल दिए, नहीं, इनडायरेक्टली अपने तरीके से। कैसे, अगर वो चाहती है कि एक इंडस्ट्री ग्रो करे और दूसरी इंडस्ट्री कम ग्रो करे, तो वो जिस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहती है उसमें सब्सिडीज दे देगी, टैक्स कंसेशन दे देगी, और जिस इंडस्ट्री को वो नहीं चाहती ग्रो होने के लिए, वो उसमें टैक्स ज्यादा लगा देगी, उससे सब्सिडी खींच लेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर वो चाहती है अल्कोहल इंडस्ट्री ना चले, ठीक है जी, तो वो टैक्स ज्यादा लगा देगी। आप देख सकते हो अल्कोहल पे इतना टैक्स है, लेकिन हमारे लोग मानते ही नहीं है भैया, फिर भी झूमे रहते हैं। भैया गवर्नमेंट की इंटेंशन समझ लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर वो जैसे आज की डेट में देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे खरीदने पे टैक्स कंसेशन मिलता है, उस पर सब्सिडी मिलती है, ये देखना आप, पढ़ना इसके बारे में। तो गवर्नमेंट चाहे तो एक इंडस्ट्री से जो है रिसोर्सेज उठा के दूसरी इंडस्ट्री में लगा सकती है। अच्छा, कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर हाथ नहीं डालना चाहता, जो पब्लिक गुड्स होते हैं, ये मैं आज आपको बता दूं। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन रेवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन रेवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है,
पहली बात तो उनमें कोई राइवलरी नहीं होती। राइवलरी का मतलब क्या होता है? राइवलरी का मतलब होता है कि यार मैं यूज करूंगा तो दूसरे वाले के लिए कम पड़ जाएगा, वो राइवलरी है। जैसे प्राइवेट गुड्स में होता है, ठीक है जी, प्राइवेट सारे गुड्स में नहीं होता बट काफी सारे गुड्स में होता है ऐसा। जैसे आप जैसे सपोज करो राशन की बात कर लो, तो राशन लिमिटेड बनता है, अनलिमिटेड तो बनता नहीं, तो जो पहले खरीद लेगा बाद वाले के लिए कम बचेगा, ठीक है। याद है कोरोना के टाइम पे जब वो लॉकडाउन हो गया था तो भैया राशन की दुकानों पे लाइनें लगी रहती थी और लोगों को था कि यार पहले खरीद लो बाद में खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो राइवलरस गुड हो गया वहां पर। और पब्लिक गुड सारे नॉन राइवलरस होते हैं, मतलब पब्लिक पार्क देख लो, ऐसा तो नहीं है ना कि भैया मैं अगर सुबह पब्लिक पार्क चला गया तो जो शाम को आ रहा उसके लिए पब्लिक पार्क जो इंजॉयमेंट के लिए कम बचेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दूसरा होता है नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि मैं ज्यादा पैसे देकर जो है दूसरे को एक्सक्लूड करवा सकता हूं, सॉरी नहीं करवा सकता हूं, वो नॉन एक्सक्लूड। प्राइवेट जो आपके प्राइवेट गुड्स होते हैं उनमें आप एक्सक्लूड करवा सकते हो। जैसे अगर भाई सपोज करो मेरे पास ज्यादा पैसे हैं और किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड है तो मैं ज्यादा पैसे ऑफर करूंगा, उसका मार्केट में प्राइस बढ़ा दूंगा, जिसका बजट एक्सीड कर जाता है, ठीक है जी, वो नहीं खरीद सकता, तो मैंने उसको एक्सक्लूड करवा दिया। अब पब्लिक गुड्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं तो उसमें कोई एक्सक्लूडेबिलिटी होती ही नहीं है, तो पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल है। और इसीलिए जो है कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसमें हाथ नहीं डालता है, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है वो गुड्स एंड सर्विस, जैसे वाटर सप्लाई, जैसे सीवेज क्लीनिंग, इसमें आप देखो कोई प्राइवेट नहीं होते, पब्लिक ही होते हैं, क्योंकि ये तो वेलफेयर वाले गुड्स हैं, इनमें कोई पैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब देखो अगर अमीर ज्यादा अमीर होता गया और गरीब ज्यादा गरीब होता गया तो गवर्नमेंट की जो है इनएफिशिएंसी शो होती है उससे, ठीक है जी, कि गवर्नमेंट तो बस अमीरों के लिए बनी है, नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट सबके लिए बनी है, सारी पब्लिक के लिए बनी है, सबके लिए बराबर बनी है। तो गवर्नमेंट जो है बजट के थ्रू अपने वो जो इनइक्वालिटी है ना अमीरों और गरीबों में उसको कम करती है। कैसे कम करती है? अमीरों पे ज्यादा 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 टैक्स लगाकर, भाई अक्षय कुमार ने इस साल इतना टैक्स दिया, भाई अंबानी ने इतना टैक्स दिया, उस पे ज्यादा टैक्स लगा रही है। हमारा जो टैक्स सिस्टम है आप देखो प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है जी, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि अमीर बंदे पे ज्यादा बर्डन पड़े और वो जो पैसा टैक्स का आ रहा है वो गरीब के वेलफेयर के लिए यूज हो सके, सो दैट वी कैन रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अगला आता है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, अनस्टेबल कब होती है इकोनॉमी? जब प्राइसेस बड़े ऊपर जाने लग गए, प्राइसेस बड़े नीचे जाने लग गए, भैया अनस्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो कंज्यूमर के लिए गलत, प्राइसेस बहुत नीचे जा रहे हैं तो बिजनेसमैन के लिए गलत। तो उनको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? देखो अगर प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं जो कि नॉर्मली होता है डिमांड से, हमने इनकम एंड डिटर्मिनेशन में पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी, यहीं पर है वो चीज, ठीक है, तो जो नॉर्मली किससे होता है प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो वो डिमांड से होता है। अब डिमांड को अगर कम करना है तो एक तो गवर्नमेंट अपनी खुद ही खर्चे कम करेगी, ठीक है, क्योंकि वो भी एक कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड में, हमने पढ़ा था, और दूसरा टैक्सेस बढ़ा देगी सो दैट लोग जाकर बाहर कम खर्चा करें, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, और डिफ्लेशन में वही उल्टा करेगी, अपना खर्चा बढ़ा देगी और टैक्स कंसेशन देने लग जाएगी, टैक्स रेट कम कर देगी सो दैट खर्चा करें जाके, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो उन्होंने हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस जो बना रखी हैं उनका खर्चा भी निकालना, उनके स्टाफ की सैलरी भी निकालनी है, उनके लिए गुड्स एंड सर्विस खरीदनी है, जैसे इंडियन रेलवेज, ठीक है, जैसे ऐसे बड़ी सारी कंपनीज हैं ONGC ये वो एक्सेट्रा LIC, वो सारी की सारी कंपनीज के लिए खर्चा भी तो बजट से ही निकालेगी। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो बहुत कुछ करती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भैया अब FDI मंगवानी है, ठीक है, तो टैक्स कंसेशन दे दिया, FDI का रेट बढ़ा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा बजट में डिसाइड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया उनके लिए सो दैट मोर एंड मोर पीपल कम एंड सेट अप देयर बिजनेसेस हियर, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, ठीक है, एक्सपोर्ट बेनिफिट दे दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। हमारे अगर हम इंडिया में भी देखें तो आज भी ऐसा है कि यार कुछ रीजन जो है वो बहुत डेवलप्ड है और कुछ जो है वो बहुत ही बैकवर्ड हो रखे हैं, अंडर डेवलप्ड हो रखे हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए भी बजट से ही समान करती है। देखो कभी भी याद रखना कि गवर्नमेंट जो है कंपनीज को जो है इन्फ्लुएंस करती है, उन्हें पर्सुएट करती है कि आप जो अपनी इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्री यहां पर डालने वाले हो ना, इतना बड़ा पावर प्लांट आप जाकर किसी गांव में डालो, हम आपको वहां पर टैक्स कंसेशन देंगे, हम वो आपको पानी बिजली सस्ते रेट में देंगे, हम वहां पर आपको सब्सिडीज देंगे। अब जो कंपनी है वो भी सोचती है कि यार हमें तो यार बेनिफिट मिल रहा है, हमारी कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो हम क्यों ना जाएं वहां पर। अच्छा, उससे गवर्नमेंट का क्या फायदा? गवर्नमेंट जो है उस बैकवर्ड एरिया को जो है डेवलप करने की कोशिश कर रही है, वहां पर फैक्ट्री सेटअप होगी, वहां के लोगों को जो है पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगी, क्योंकि वहीं के लोग एम्प्लॉय करेंगे ना वहां पर, ठीक है, तो वहां पर लोगों को पैसा मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो एरिया धीरे 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 डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वो होती है ना बात कि यार मेरे दादाजी ने जो है गुड़गांव की जमीन जो है आज से 20 साल पहले इतने में बेच दी थी, वरना आज वो इतने की होती। क्यों होती भैया? गवर्नमेंट ने धीरे 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 वहां पर इंडस्ट्रीज ऑफिस सेटअप करवाए, अब उन एरियाज बढ़ गए, वो सिंपल सी बात है।
अगले आते हैं आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट वो बजट होता है जिसमें ना तो गवर्नमेंट के कोई एसेट लाइबिलिटीज अफेक्ट होते हैं, वो ठीक है, वो आपके डेली जो आपके रेगुलर बेसिस के जो खर्चे या इनकम होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। कैपिटल बजट में उसके जो है आपके एसेट और लाइबिलिटी अफेक्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम चले कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ठीक है, एक कंपोनेंट्स तो ये हो गया कि भैया रेवेन्यू और कैपिटल एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट होते हैं, एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होते। एक होता है कि एक खर्चे वाली साइड होती है और एक इनकम वाली साइड होती है, खर्चे वाली एंड इनकम वाली। ठीक है, तो बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। अच्छा, हम बात करें सबसे पहले तो बजट रिसिप्ट की, तो बजट रिसिप्ट में दो टाइप के, रिसिप्ट का मतलब होता है उसकी इनकम, उसका पैसा आना, तो बजट रिसिप्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोस रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट। तो ना जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है ना तो लायबिलिटी से ना तो एसेट बेचकर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। उसको हम क्या बोलते हैं रेवेन्यू, जो बेसिकली उसके रेगुलर बेसिस का होता है, जिसमें अगेन दो कैटेगरीज होती हैं। एक जो मेजर होता है किसी भी सरकार के लिए वो है टैक्स रेवेन्यू। क्या होता है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स लगाती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के, दो फॉर्म के होते हैं, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जो जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है उसी को पे करना पड़ता है, मतलब बर्डन ऑफ टैक्स लाइज ऑन द पर्सन हु एक्चुअली पेज इट। ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम आपकी वेल्थ पे लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है परचेज सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के टैक्स लगाते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कई बार ये भी क्वेश्चन आ रहा है गिफ्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद नॉन टैक्स, ऐसे कई सारे अदर वो होते हैं सोर्सेज जहां से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है जो नॉन टैक्स में आते हैं, अदर देन टैक्स में, जैसे उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसने अगर किसी को लोन दिया, उसकी कंपनीज का प्रॉफिट जो है, उसकी कंपनीज का डिविडेंड जो है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट अपनी सर्विसेज जो देती है उसकी फीस चार्ज करती है। ठीक है जी, उसके अलावा वो कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस बनाने की फीस चार्ज करती है, कंपनीज को रजिस्टर करने की फीस चार्ज करती है, पेनल्टीज लगाती है, वो चालान जो कटते हैं वो सब हो जाता है, एस्टेट्स। एस्टेट्स क्या होता है, जब कोई बंदा जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है और ना उसने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ विल बना रखी है, तो वो जो है गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके अलावा गिफ्ट्स, ग्रांट्स, फॉरफीचर्स एंड स्पेशल असेसमेंट। उसके बाद चलते हैं हमारा कैपिटल रिसिप्ट पे, किस पे चलते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे। कैपिटल रिसिप्ट जो है या तो आपकी इनकम जो आ रही है या तो लाइबिलिटी क्रिएट करके आ रही है, आप उधार मांग के आए हो, या फिर आपने अपना कोई एसेट बेचा है। ठीक है, अभी रिसेंटली एयर इंडिया जो बेचा था तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है। तो विच आइदर क्रिएट एन लाइबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। ये नॉन रेकरिंग होते हैं, नॉन रूटीन होते हैं, ऊपर वाले रेकरिंग वाले होते हैं। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट देखें तो तीन चार ही हैं, एक हो गया बोरोइंग, ठीक है, दूसरा हो गया रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग हो गया भाई बोरो कर लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन, एसेट था, किसी को लोन दे रखा था, इंटरेस्ट आ रहा था उस पर, अब वो पैसा वापसी आ गया, रिडक्शन ऑफ एसेट। डिसइन्वेस्टमेंट, आपकी कोई कंपनी थी उसके शेयर्स बेच दिए या पूरी की पूरी कंपनी बेच दी, ठीक है जी, पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट, फुल डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया आपका, तो अगेन एसेट था आपका, गवर्नमेंट का एसेट था, उससे इनकम जनरेट हो रही थी, अब वो बेच दिया तो रिडक्शन इन एसेट। एंड स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स होती है जो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो निकालती रहती है सो दैट पब्लिक का पैसा ले और उसको जो है उनको अच्छा रिटर्न दे, तो वो भी एक तरीके से बोरो कर रही है, तो उसको स्मॉल सेविंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड पे। अब एक्सपेंडिचर साइड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर साइड में गवर्नमेंट के अगेन दो काइंड ऑफ खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू खर्चा जो उसके रेगुलर नेचर का है, जो मेंटेनेंस, वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पे खर्चा लगता है, पेंशन देना, सब्सिडीज देना, सैलरीज देना, इंटरेस्ट देना, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट्स टू स्टेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे उनके रेवेन्यू है जो ना तो उसकी लायबिलिटी को कम करते हैं ना किसी एसेट को क्रिएट करते हैं, ये रेगुलर रेकरिंग नेचर के होते हैं। और अगर यही हम आ जाए हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, या तो ये आपके एसेट को बढ़ाएंगे या किसी लायबिलिटी को कम करेंगे। ठीक है, तो जब अपने गवर्नमेंट जो है अपने लोन रीपे करती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब वो कोई एसेट खरीदती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो बनाना, जिससे जो है कंट्री की जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट में है आपके बैलेंस बजट, जब आपका एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होते हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, विच इज लीस्ट लाइकली टू हैपन। उसके बाद सरप्लस बजट, ये भी लीस्ट लाइकली टू हैपन है, इसमें आपके रिसिप्ट ज्यादा है आपके खर्चे से। अब जो मोस्ट लाइकली टू हैपन है वो आपका डेफिसिट बजट, विच इज एस्टिमेटेड रिसिप्ट इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, इन शॉर्ट ये लॉस हो रहा है।
है सरकार को। अब लॉस भी जो है बड़े टाइप के होते हैं और हर किसी का अपना इंप्लीकेशन होता है और उसको अपने तरीके से ही आप करेक्ट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 100% आना है, उसके अलावा वो कंपोनेंट्स के क्वेश्चन, टैक्स में क्या आते हैं, नॉन टैक्स में क्या आते हैं, कैपिटल कौन सा होता है, रेवेन्यू कौन सा होता है, और ये डेफिसिट, ये तीन ही टॉपिक है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपके रेगुलर नेचर के एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा हो आपके रेगुलर नेचर के रिसिप्ट से, तो आपको कौन सा डेफिसिट जो होता है वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है इसका मतलब, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की अपनी इनकम जो है उसके अपने डे टू डे खर्चे मीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसका मतलब है या तो वो अपने खर्चे कम करेगी या फिर वो बोरो करेगी। अब बोरो करेगी तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ता है इकॉनमी पे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे पड़ता है भैया, देखो जब बोरो करेगी तो जो कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है जिससे आगे भी डेफिसिट आने के चांसेस हैं, क्योंकि बोरो करें, मोटी मोटी अमाउंट बोरो करती है तो ऑटोमेटिकली जो है इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, फिर रेवेन्यू डेफिसिट बनेगा, उससे फिर फिस्कल डेफिसिट बनेगा, एक्सेट्रा। तो एक तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, या तो भैया अपने एक्सपेंडिचर आप कम कीजिए किसी तरीके से, या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ाइए, तो इसमें गवर्नमेंट अपने टैक्स बढ़ा देती है, अदर सोर्सेज बढ़ा देती है, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल खर्चा माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन ये टोटल रिसिप्ट में याद रखना एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स होता है। क्या होता है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, बोरोविंग्स नहीं लेने होते आपको, क्यों, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से ही पता चलता है कि हमें एक्चुअली में कितना बोरो करने की जरूरत है। फिस्कल डेफिसिट से ही पता चलता है हमें एक्चुअली में कितना बोरो करने की जरूरत है। दैट मींस फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही बोरोइंग होता है। जितना हमें यहां पर लॉस होगा और जितना हम वो लॉस रिकवर कर सकते थे अदर सोर्सेज से, एसेट बेच के, ठीक है जी, तो वो सब टोटल रिसिप्ट में आ गया होगा, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है ना ये, कैपिटल इसको बोलते हैं। इसमें दो रिसिप्ट आ गए, एक कैपिटल रिसिप्ट आ गया, दूसरा आ गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में सिर्फ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट आएंगे, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। डेट वाले तो बोरोइंग ही हो गए। टोटल एक्सपेंडिचर में एक हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है आपका बोरोइंग्स, ये बात याद रखना। अच्छा, इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस है, डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस है, ठीक है जी। डेट ट्रैप में क्या होता है कि भैया आप क्या है, लोन लोगे, आप क्या है, लोन लोगे फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। अच्छा, उस पे फिर अगले साल से इंटरेस्ट जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो जाएगा वो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा, जिससे रेवेन्यू डेफिसिट होने के चांसेस है, जिसके लिए आप फिर बोरो करोगे, ठीक है। अगर नहीं तो एसेट बेचोगे, जो कि अगेन गवर्नमेंट का नुकसान है, फिर बोरो करोगे, फिर आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरा इंप्लीकेशन, इन्फ्लेशन होने के चांसेस है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर आरबीआई को बोलती है कि भैया आप करेंसी प्रिंट करिए, ठीक है, अब करेंसी प्रिंट करेंगे तो भैया करेंसी प्रिंट कर रहे हैं अगर अपने वो खर्चे को पूरा करने के लिए, तो उससे मनी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, जिम्बाब्वे का केस उठा के देख लेना, हाइपर इन्फ्लेशन, उनको जब भी पैसों की जरूरत होती थी वो प्रिंट करते जाते थे, प्रिंट करते जाते थे भैया, मतलब ट्रिलियन डॉलर तक का नोट है, ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर तक का नोट है उनकी कंट्री में, ठीक है जी। लेकिन उससे ब्रेड भी नहीं आ पा रही, इतनी हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो गई थी। तो ये तो गवर्नमेंट जो है इसको आउट ऑफ स्कोप ही रखती है, ये तो कहते हैं कि जब मर रहे होंगे ना तभी लेंगे ये, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जिससे हैम्परिंग बड़ी होती है। अब अगर आप बोरो करोगे, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, तो वो ना बहुत इंटरवीन करते हैं फिर हमारे काम में कि भैया ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये सारे जो है इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या है, या तो बोरो करो या तो फिर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करो। अभी जो हमारी करंट सरकार है, ठीक है, जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है वो ऐसी ही कुछ चल रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट जो है ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हम बोरो कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है एकदम से बबल फूटने वाला है इन्फ्लेशन का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तीसरा टाइप का होता है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हम बोरो जो कर रहे हैं अपने खर्चों के लिए कितना कर रहे हैं, क्योंकि उस बोरोविंग्स में दो खर्चे निकलेंगे, उस बोरोविंग्स में दो खर्चे निकलने वाले हैं। अब वो दो खर्चे कौन से हैं, वो दो खर्चे हो गए हमारे अपने एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमारे अपने एक्सपेंडिचर, और दूसरा इंटरेस्ट जो पीछे हमने बोरोविंग्स करी हुई है उसका इंटरेस्ट। तो हम एक्चुअली में ये देखना चाहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो ये बताता है कि हम बोरो अपने खर्चे के लिए कितना कर रहे हैं, क्योंकि हम टोटल बोरोविंग में से इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है हटा देते हैं।
ठीक है, तो हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। और अगर इसका जो डिफरेंस है वो जो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू जीरो आती है, इसका मतलब है हम जो है सिर्फ अपने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरो कर रहे थे, हमारे खर्चे जो है हमारी इनकम से सफिशियंटली पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब हमें किसी तरीके से इंटरेस्ट को पे करना है, फिर हम जो है बैलेंस्ड बजट पे आ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो ये था आपका पूरा बजट रैपिड रिवीजन, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना मत भूलना भैया, इसमें देखो कई बार प्रैक्टिकल भी आ जाता है। चलो भाई आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ क्या होता है। देखो ये देखो आ गया, उसने क्या बोला भैया रेवेन्यू डेफिसिट बताओ, फिस्कल डेफिसिट बताओ, ठीक है। अब देखो टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, दोनों को ऐड करोगे रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेट बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट, ये तो सीधा ही फिस्कल डेफिसिट बन गया। डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट हो गया, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स जो हमें फिस्कल डेफिसिट के लिए चाहिए होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अब अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो ये दोनों ऐड कर दो, 1000 और 150, 1150, और इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस कर दो, 1500 माइनस 1150, ये आ जाएगा आपका 350, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया 350। अगर हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो रेवेन्यू डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करके डिस इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 350 माइनस 50 300 और 480 780, देख सकते हो बोरोइंग भी उतनी है आप लोगों की और फिस्कल डेफिसिट भी फॉर्मूले से उतना ही आया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये बजट। भैया अभी जाओ और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।